हाय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स देन आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इवन इफ द पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस। फिर हमने पढ़ा टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। वी लर्न दैट द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी फॉर द इनवॉइसेस अराइव्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज the due date of filing of return for the month of September of succeeding financial year or date of filing of annual return, whichever is earlier. Then we learned about the payment. The payment for any invoice should be made within 180 days and if not made, then we have to pay interest to the government at the rate of 18% and the period of interest would be the date of availing of ITC to the date until which the tax has been paid to the government. Fine. Then once I pay to the customer, can I reclaim the ITC? So the law says yes, I can reclaim the ITC. So is there any time limit to reclaim the ITC? No, there is no time limit to reclaim the ITC. Yes. Friends, there were three exceptions to this, but I have kept this pending because three different exceptions are given and all of these three can be learned once we complete some chapters. This you will understand once we complete chapter number 3, next one after chapter number 2, and the third one after we complete chapter number 5. Fine. So until then, we'll wait for this exceptions to be learned. Fine, let's keep it pending for now. कुछ फ्रेंड्स आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने, फिर भी उनकी डेफिनेशंस दी हुई है तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज, ठीक है? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग आईटीसी and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Exempt supply, exempt supply भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? Exempt supply वो है जिस पर tax नहीं लगता. So exempt supply includes exempt supply itself, it includes nil rated supply, मतलब जिस पर 0% tax लगता है, that is called nil rated. And third one, it includes non-GST supply. Non-GST supply मतलब that are not covered by GST. जो हमने पढ़ा था ना, goods outside the scope of GST, ठीक है? So that are also considered as exempt supplies. Input. Input means capital goods के अलावा, मतलब आप जिन goods को capitalize नहीं करते, जिन goods पे आप ITC तो लेते हो, लेकिन क्या करते हैं आप उनको capitalize नहीं करते, उनको हम कहते हैं inputs. Inputs means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business. ठीक है? Input service means any service used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business. ठीक है? Business के furtherance के लिए कोई भी service use करें, आप security services, telephone services, आपके पास machine है, machine खराब हो गई, you get your machine repaired, ठीक है? तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? Input service. ये एक चीज आपको नहीं बताई मैंने फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई एंड विच इज वेरी क्रूशियल टू बी अंडरस्टूड फॉर आर नेक्स्ट टॉपिक. जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द सप्लाईज, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री, उसको क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. फ्रेंड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है दैट इज विद इन द कंट्री ओनली, ठीक है? बट वो एक सेपरेट बिजनेस एरिया है जिसमें ट्रेड एंड बिजनेस लॉज बाकी के कंट्री से अलग होते हैं. वहां पे लेबर लॉज अलग होते हैं, ठीक है? वहां पे टैक्स हॉलीडेज दिए जाते हैं. मतलब अगर आप एक यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो आपको मान लीजिए 3 साल के लिए बोलेंगे कि 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, उसको हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे. अब ये सारे बेनिफिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज द मेन पर्पस बिहाइंड द इमर्ज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज दे आर मेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स,
ठीक है, एंड दे आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप कंट्री के ट्रेड और लेबर लॉस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अलग लग रहे हैं, अलग रख रहे हैं, अलग रखने का मतलब ये है कि उन लॉस को आप लिबरल रख रहे हैं बाकी की कंट्री से। लॉज लिबरल रखने से ये होगा कि वहां पे जो गुड्स और सर्विसेज, वहां पे जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, वो सारे गुड्स कंट्री में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे उससे काफी सस्ते होंगे। ठीक है, आपको किसी लॉ से कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंप्लाई करना पड़ेगा तो भी मिनिमल लेवल पे। फाइन, मिनिमल लेवल इन द सेंस जो आपके कंट्री में जितना स्ट्रिंजेंट रहता है उतना स्ट्रिंजेंट SEZ में नहीं रहेगा। लेबर लॉस भी अलग रहेंगे। फाइन, जिससे क्या होगा, जो भी गुड्स वहां मैन्युफैक्चर होंगे वो बाकी जो कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कंट्री के अलग अलग दूसरे एरियाज में जो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उससे क्या होंगे, सस्ते। जिससे ये गुड्स क्या होंगे, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने की वजह से इनका एक्सपोर्ट पॉसिबल हो पाता है और कंट्री का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, तो मेन पर्पज SEZ का आप देखेंगे तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ही है, जिससे आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बना सकें। फाइन, तो ये हो गया SEZ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और एक ये है जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, हमने फ्रेंड शुरुआत में देखा था एग्जेम्पशन लिस्ट, कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक लिस्ट है जिसमें एग्जेम्प्ट आइटम्स दिए हुए कि इन पब्लिक इंटरेस्ट ये सारे आइटम्स क्या है, एग्जेम्प्ट। इनमें अभी के लिए क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, बट एट अ लेटर डेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है उनको, टैक्सेबल। नेगेटिव लिस्ट हमने पढ़ी थी, ठीक है, हमने एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन एग्जेम्प्शन लिस्ट के साथ एक पढ़ी थी नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में हमने ये समझा था कि इस लिस्ट में वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन से, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि उनको बाद में टैक्सेबल बनाया जाएगा। और हमने देखा था गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST, मतलब दैट आर टैक्सेबल इन अदर लॉज एंड नॉट टैक्सेबल इन GST। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग चीजें हमने देखी थी। लेकिन ये जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई से कैसे अलग है, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे भी टैक्स नहीं लगता, जीरो रेटेड सप्लाई पे भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो आइए इसका कुछ डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो जब भी मैं वर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई यूज करता हूं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन GST सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जो वर्ड में जो सप्लाईज थ्रू एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट किए गए। ठीक है, एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन है जिसमें लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है कि इन इन ट्रांजेक्शन पे क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या है वो एग्जेम्प्ट। नील रेटेड वो होते हैं जिन पे टैक्स लगता है, लेकिन कितना, 0% टैक्स लगता है। ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट को कभी भी टैक्सेबल बनाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 5% कर देगी, 12% कर देगी। ठीक है, एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन में अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसको अगर टैक्सेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन से उस ट्रांजेक्शन को निकालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉन GST सप्लाई क्या है, दैट आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की जो डेफिनेशन है इट इंक्लूड्स ऑल दीज थ्री सप्लाईज। फाइन, तो इन तीन सप्लाईज के केस में क्या होगा, मान लेते हैं आपके तीन इनपुट्स हैं। नंबर वन मिल्क, जो कि एक एग्जेम्प्ट इनपुट है, जब आप मिल्क खरीदते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। नंबर टू पैकिंग मटेरियल, जब पैकिंग मटेरियल आपने खरीदा तो मान लीजिए आपको 5,000 रुपये इनपुट टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, मान लेते हैं 50,000 उसकी प्राइस थी और आपने 10% GST पे किया, जिसकी वजह से आपका इनपुट टैक्स कितना हुआ, 5,000। और आपने क्या अवेल की, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस क्यों अवेल की, क्योंकि आपने मिल्क को प्रोसेस करके बनाया कर्ड और उसको पैक करके, ठीक है पैक किया तो पैकिंग मटेरियल का यूज हुआ, पैक करके आपने ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज करके उसको क्या किया, मार्केट में सप्लाई। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस पे भी आपको जो टैक्स पे करना पड़ा, मान लीजिए 40,000 की सर्विस ली आपने, ठीक है 40,000 का बिल बना, 5% आपने GST पे किया, तो कितना हुआ इनपुट टैक्स, 2,000। और आपने जो कर्ड मार्केट में सप्लाई किया उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू है, टैक्स नहीं है। और उस पर टैक्स कितना लगा, जीरो। तो टैक्स अगर जीरो लगा तो ये कैसा सप्लाई हुआ, एग्जेम्प्ट सप्लाई हुआ। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस केस में आपके जो भी इनपुट टैक्स आपने पे किया है
ठीक है, उन इनपुट टैक्स की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी ये जो 5000 का अमाउंट और 2000 का जो अमाउंट आपने इनपुट टैक्स पे किया है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई में गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये ऐसे सप्लाईज है जिन पे आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनकम क्या हुई, आउटपुट टैक्स आपने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, तो आपने जो इनपुट टैक्स पे किया वही गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास रख लिया, आपको इसकी क्रेडिट नहीं दी। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की इनकम क्या हो गई, 5000 प्लस 2000, यानी जो 7000 हुआ वो क्या हो गया, आप पे टैक्स बर्डन। और पब्लिक को जो गुड्स 2 लाख प्लस टैक्स में पड़ना चाहिए था, वो कितने में पड़ गया, केवल 2 लाख में, यानी पब्लिक पे टैक्स बर्डन आया नहीं। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेट सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई के केस में क्या होगा, आप जो आउटपुट सेल करेंगे उस पर आपको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, और जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में, ठीक है, उनकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। मतलब आप इन इनपुट क्रेडिट्स को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं ले जा सकते। ठीक है, मान लीजिए आप केवल ऐसे ही गुड्स में डील करते हैं जो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का करेंगे भी क्या, अगर ECL में जमा होता जाएगा तो आप इसको आउटपुट टैक्स पे करने के लिए तो यूज कर नहीं सकते। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास रहता है, गवर्नमेंट से रिफंड मांगना, तो गवर्नमेंट रिफंड भी अलाउ नहीं करती है इस केस में। तो इस क्रेडिट को गवर्नमेंट क्या कहती है, इनएलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई आपकी इनएलिजिबल क्रेडिट, फाइन। तो ये हो गया एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिसमें क्या है, नो आईटीसी। अब जीरो रेटेड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई से कैसे अलग है, फ्रेंड? जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सप्लाई टू एसईजेड या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इस केस में सप्लायर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन, पे आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड। जो आपने गुड सप्लाई किए, एक्सपोर्ट किए या एसईजेड को सप्लाई किए, दैट इज डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई, तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो गवर्नमेंट ये कहती है आप आईजीएसटी पहले पे कर दो, और जैसे ही आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने रहते हैं, जिस जो प्रूफ होते हैं कि आपका एक्सपोर्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, डोंट पे एनी टैक्स। एंड क्लेम रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी। कोई आउटपुट टैक्स आप पे मत करो, और जो आपने गुड सप्लाई किया, आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो गई है, आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स बनाए आपने, उसके लिए कुछ गुड्स खरीदे होंगे, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, प्रोसेस किया होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विस ली होगी, पैकिंग मटेरियल खरीदा होगा, है ना, तो इन सारी सर्विसेज पे आपको क्या पे करना पड़ा होगा, टैक्स। वो टैक्स जो आपने आपको पे करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स, आपको जो टैक्स पे करना पड़ा, और आप इस केस में क्या कर रहे हो, आउटपुट टैक्स तो एक्सपोर्ट में कलेक्ट करते नहीं है, ठीक है, और सप्लाई टू एसईजेड में भी आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट करते नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रखा है, उसका आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड। ये दो ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने मान लीजिए 2 लाख के गुड्स एसईजेड को सप्लाई किए, ठीक है, सप्लाई टू एसईजेड, उस पर टैक्स बना, मान लीजिए 24,000 टैक्स बना, कौन सा टैक्स, आईजीएसटी, और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है। आईटीसी कहां से आएगी, ये जो 2 लाख के गुड्स आपने बेचे, इनको बनाने के लिए कुछ गुड्स खरीदे होंगे जिन पे टैक्स पे किया होगा, तो उससे आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है आईजीएसटी की, मान लेते हैं, ठीक है, आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी है 14,000 रुपए, फाइन।
अब फ्रेंड्स समझने वाली बात ये है कि ये जो 24,000 आउटपुट टैक्स है ना, ये आपको SEZ से कलेक्ट नहीं करना है और ना ही आपको जहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से कलेक्ट करना है। ये टैक्स आपको आपके आउट ऑफ योर ओन पॉकेट आपको पे करना है, ठीक है। तो 14,000 आपने ITC यूज की और बचा हुआ 10,000 आपने पे कर दिया, ठीक है। तो 24,000 पूरा आपने खुद से पे किया क्योंकि आप SEZ से तो कलेक्ट कर नहीं सकते जीरो रेटेड सप्लाई में। तो ये 24,000 का आपको क्या क्लेम करना है? रिफंड क्लेम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। डोंट पे एनी टैक्स एंड क्लेम रिफंड, तो इस केस में क्या होगा? आपको SEZ और एक्सपोर्ट से तो कोई टैक्स वैसे ही कलेक्ट नहीं करना है और आपको आउट ऑफ योर ओन पॉकेट भी कुछ भी पे नहीं करना है, जो इस केस में आपने 24,000 किया। केस 2 में तो आपको वो भी नहीं करना है, लेकिन आपकी जो 14,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई है उसका आप क्या क्लेम कर लो? रिफंड कर लो। तो सेकेंड केस में रिफंड कितना क्लेम होगा? 14,000। तो इस तरीके से ना आप पे कोई बर्डन आया क्योंकि सेकेंड केस में 14,000 आपका ITC था, वो भी आपके पास रिफंड आ गया, तो आप पे बर्डन कितना हो गया? जीरो। और इस केस में जो आपने 24,000 क्लेम किया था केस नंबर 1 में, 24,000 जो पे किया था उसका भी आप क्या क्लेम कर लोगे? रिफंड। तो सेकेंड केस में भी आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा। तो सेकेंड केस में भी आप पे बर्डन कितना हो गया? जीरो। तो ये फायदा होता है जीरो रेटेड सप्लाई का, जिसपे आप जो भी टैक्स पे करते हो उसका क्या आ जाता है? आपको रिफंड। पे नहीं करते हो तो जो ITC जब जमा हो रखी है आपके पास, ठीक है, जो एक्सपोर्ट या SEZ में गुड्स सेल करने के लिए जो ITC जमा हुई है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसका आप क्या क्लेम कर सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? एग्जेम सप्लाई नील रेटेड नॉन GST में तो ऐसा नहीं है। उसमें गवर्नमेंट कहती है अगर आउटपुट पर टैक्स करोगे कलेक्ट करोगे तो ही ITC मिलेगी। जीरो रेटेड में ऐसा क्यों है? द ओनली पर्पज इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जेम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। एक चीज समझेंगे, इनपुट्स इनपुट सर्विसेस यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज नॉन बिजनेस पर्पस एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड्स नील रेटेड एज वेल एज नॉन GST। ITC नॉट अवेलेबल, ITC अवेलेबल। तो जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आप यूज करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उनका क्या मिलता है आपको? ITC। टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए उनका भी क्या मिलेगा आपको? ITC। लेकिन अगर आप नॉन बिजनेस पर्पज या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा? ITC नहीं मिलेगा। ये इनपुट इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? ITC मिलेगा। और टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए भी अगर यूज करेंगे अपने इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स को तो आपको ITC मिलेगा। लेकिन कुछ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ऐसे भी होते हैं जो
बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इनपुट्स हैं ए बी सी एंड डी. इनपुट ए यूज होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए. तो क्या मुझे इसका ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है. बी यूज होता है टैक्सेबल सप्लाई के लिए. तो मुझे क्या इसका ITC मिलेगा? मिलेगा. सी एंड डी ऐसे हैं जो बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होते हैं. तो इसका ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कितना नहीं मिलेगा, ये समझाएगा हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट. अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें वो जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा. ठीक है. सो लेट अस टेक सम इनपुट्स. सपोज मेरा रॉ मटेरियल है मिल्क. ठीक है. तो मेरा फर्स्ट इनपुट है मिल्क, मेरा सेकंड इनपुट है पैकिंग मटेरियल. फाइन. ये दोनों मेरे क्या है? इनपुट्स. इनको यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? अपना फाइनल प्रोडक्ट. से सपोज मैं तीन फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता हूं. नंबर वन पैक्ड मिल्क. ये जो मिल्क मैंने खरीदा था जो कि मेरा इनपुट है वो क्या है? लूज है. ठीक है. उसको मैं क्या कर रहा हूं? 500 ग्राम्स की पैकिंग में कर रहा हूं. तो 500 ग्राम्स पैक्ड मिल्क. नंबर टू पैक्ड कर्ड. ठीक है. मैं कर्ड बना रहा हूं, मिल्क को प्रोसेस करके कर्ड बना रहा हूं, और उसको क्या कर रहा हूं मैं? पैकिंग. नंबर थ्री चीज. ठीक है. तो मेरे दो इनपुट्स है मिल्क और दूसरा इनपुट है पैकिंग मटेरियल. इन दोनों को यूज करके मैं तीन प्रोडक्ट्स बनाता हूं, मिल्क कर्ड एंड चीज. जो मेरा फर्स्ट इनपुट है मिल्क वो क्या है? एग्जेम्प्ट है. ठीक है. तो जब मैंने मिल्क परचेज किया तो क्या मुझे टैक्स भरने की जरूरत पड़ी होगी? बिल्कुल नहीं, टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मिल्क क्या है? एग्जेम्प्ट आइटम है. पैकिंग मटेरियल. तो जो मैंने पैकिंग मटेरियल खरीदा, सपोज मैंने 1,00,000 का पैकिंग मटेरियल खरीदा और उस पर लगा 18% GST, तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी पड़ी होगी? 18,000 होगी. ठीक है. अब मैंने इन दोनों को यूज करके तीन प्रोडक्ट्स बनाए. ठीक है. कौन से तीन? ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. तो मेरा जो फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? पैक्ड मिल्क, जो कि क्या है? एक एग्जेम्प्ट आइटम. क्या है वो? एक एग्जेम्प्ट आइटम. दूसरा है पैक्ड कर्ड. कर्ड क्या है? कर्ड भी है एक एग्जेम्प्ट आइटम. थर्ड है चीज. चीज पे लगता है GST 12%. ठीक है. तो हमने ये पढ़ा अभी तक कि जो मेरे इनपुट्स हैं, अगर मेरा इनपुट ए है, ठीक है, उस पे मैंने अगर ITC कुछ भरी ऐसे, सपोज 5000 ऊपर वाले एग्जांपल में, ठीक है, 5000 मैंने ITC भरी, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज प्रोडक्ट बन रहा है मेरा एक्स, और एक्स क्या है? एग्जेम्प्ट. तो मुझे क्या इनपुट ए की क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी. फिर हमने दूसरी चीज सीखी कि मेरा दूसरा इनपुट है बी. बी पे मैंने ITC सपोज पे किया 2000, इनपुट टैक्स पे किया 2000, उससे मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, सपोज उस प्रोडक्ट का नाम है जेड, और जेड कैसा प्रोडक्ट है? टैक्सेबल प्रोडक्ट. तो क्या मुझे उसकी ITC मिलेगी? हाँ मिलेगी, पूरी की पूरी मिलेगी. लेकिन क्वेरी कहां थी हमको?
सी और डी में जो बोथ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होते हैं। तो जो सी और डी है उसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सी और डी था वो इस केस में है मिल्क एंड पैकिंग मटेरियल। तो आप देख सकते हैं मिल्क और पैकिंग मटेरियल दोनों ऐसे इनपुट्स हैं जो कि टैक्सेबल सप्लाई दैट इज मिल्क एंड सॉरी जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है मिल्क एंड कर्ड और टैक्सेबल सप्लाई जो कि है चीज, दोनों को बनाने में यूज हो रहे हैं। तो जो क्रेडिट मतलब जो इनपुट्स दोनों को मतलब किसको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई को बनाने में यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कॉमन इनपुट्स, और उस पे जो हम टैक्स पे करते हैं उन इनपुट्स पे उसको क्या कहते हैं कॉमन इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो कॉमन क्रेडिट है उसकी क्रेडिट हमें कैसे लेनी है ये हमें बताता है टॉपिक कौन सा अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो इधर हमने देखा कि हमारे जो पैकिंग मटेरियल है उस पे जो आईटीसी थी वो कितनी थी 18,000। सपोज मेरा पैक्ड मिल्क और पैक्ड कर्ड जो मैंने सेल किया उससे मेरा टर्नओवर हुआ 5 लाख, और जो चीज है उससे मेरा टर्नओवर हुआ 15 लाख। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट वो ये कहता है कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है ठीक है और जो टैक्सेबल सप्लाईज है उन दोनों के प्रपोर्शन में कॉमन क्रेडिट को बांट दो। कैसे, तो हमारी कॉमन क्रेडिट कितनी है फ्रेंड्स 18,000 हमारी कॉमन क्रेडिट है। अब इसमें से कितनी क्रेडिट एग्जेम्प्ट सप्लाई की है 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 20 लाख क्या से 15 प्लस 5 हमारा एग्जेम्प्ट टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर का टोटल। अब 18,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करूंगा तो कितना आएगा 4500। तो ये 4500 मेरी कॉमन क्रेडिट मतलब 18,000 है मेरी कॉमन क्रेडिट, उसमें से जो 4500 है वो क्रेडिट है जो किसको बिलोंग करती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज को। और हमें पता है कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स है उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इस 4500 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमें क्रेडिट किसका मिलेगा 4500 माइनस 18,000 माइनस 4500 जो कि है 13,500, ये हमें क्रेडिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको और अच्छे से समझते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको चार्ट में समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब कि किस तरीके से आपको जो कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट उन इनपुट्स की क्रेडिट जो बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब करना क्या है ये सुनिएगा। जो हमारी टोटल आईटीसी है ठीक है, मान लीजिए हमारी टोटल आईटीसी है 3 लाख रुपए, फाइन, इसमें से हम माइनस करेंगे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ये हमारी टोटल आईटीसी है 3 लाख, मतलब हमने जितने भी इनपुट्स खरीदे उसमें से टोटल आईटीसी कितनी बनी 3 लाख रुपए, इसमें से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मान लेते हैं यूज हुई 50,000, फाइन। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो मान लीजिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज हुई 20,000, ठीक है, उसको भी क्या करेंगे हम माइनस। लेस इनपुट टैक्स ऑन ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट का कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ब्लॉक क्रेडिट वो होती है, कुछ आइटम्स हैं जिन पे हमको क्या मिलती है क्रेडिट नहीं मिलती है, तो वो कौन सी आइटम्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तब समझेंगे। अभी के लिए आप मानिए हमारी ब्लॉक क्रेडिट है 70,000, ठीक है, इसको 30,000 कर देते हैं, फाइन। तो आईटीसी टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना होगा 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 70,000, 1,50,000 क्या होगी हमारी आईटीसी जो कहाँ क्रेडिट होगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यहां तक सब ठीक है। अब मैंने कहा कुछ सॉरी
अब हम क्या माइनस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे चाहिए कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट का मतलब वो क्रेडिट, उन इनपुट्स की क्रेडिट, उन इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट जो बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज हुए होंगे। फ्रेंड्स समझ रहे हैं आप हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि जो इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पज और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए होते हैं उनकी क्रेडिट नहीं लेते हैं, जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए होते हैं उनकी हम क्या लेते हैं, पूरी की पूरी क्रेडिट लेते हैं। टोटल क्रेडिट में से एग्जेम्प्ट नॉन बिजनेस पर्पज माइनस करने के बाद और क्या माइनस करेंगे, जो हमें क्रेडिट पूरी मिलती है, कौन सी क्रेडिट, जो टैक्सेबल सप्लाईज में जो इनपुट्स इनपुट सर्विसेज यूज हुई उनकी हमें क्या मिली, पूरी क्रेडिट, वो भी हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसके बाद जो फिगर आएगा क्रेडिट का वो होगी कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब ऐसी क्रेडिट जो बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनाने में यूज हुई हो। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब मैंने आपको बताया प्रोडक्ट बी एंड सी दोनों क्या इनपुट्स, इनसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन रहा है एक्स और एक प्रोडक्ट बन रहा है वाई, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स में भी बी और सी यूज होता है और प्रोडक्ट वाई में भी बी और सी यूज होता है। प्रोडक्ट एक्स एग्जेम्प्ट है और प्रोडक्ट वाई क्या है, टैक्सेबल है। तो बी और सी का दोनों में यूज हुआ, एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी और टैक्सेबल सप्लाईज में भी। तो बी और सी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन क्रेडिट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कॉमन क्रेडिट 1,00,000 रुपए। अब लॉ ये कहता है कि जो भी क्रेडिट नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जेम्प्ट सप्लाईज से अट्रीब्यूटेबल हो, मतलब जो भी क्रेडिट एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हो, उसको आप क्या करो, इस 1,00,000 में से अलग कर दो और बाकी की क्रेडिट को आप कहां ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। फ्रेंड्स ये कैसे करेंगे अब हम, तो हमारे पास एक बेस है, बेस है मतलब टर्नओवर का बेस। मान लीजिए मेरा करंट ईयर का टोटल टर्नओवर है 10,00,000, जिसमें से 5,00,000 क्या है टैक्सेबल, 5,00,000 क्या है एग्जेम्प्ट। तो लॉ ये कहता है कि टर्नओवर के प्रोपोर्शन में क्रेडिट को डिवाइड कर दो, जो प्रोपोर्शन एग्जेम्प्ट का है उस प्रोपोर्शन को कॉमन क्रेडिट पे अप्लाई करो और उस क्रेडिट को इनएलिजिबल क्रेडिट मान लो और बाकी की क्रेडिट को क्या मान लो, एलिजिबल क्रेडिट, और उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमारा स्टेप वन था, स्टेप वन क्या था, कंप्यूट कॉमन क्रेडिट। स्टेप टू देखते हैं, कंप्यूट क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है उसकी कितनी क्रेडिट होगी वो देखेंगे हम। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज की क्रेडिट के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। तो कॉमन क्रेडिट कितना है हमारा, 1,00,000। एग्जेम्प्ट टर्नओवर हम मान लेते हैं 10,00,000 में से कितना, 5,00,000। टोटल टर्नओवर कितना, एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल का 10,00,000। तो हमारी इनएलिजिबल क्रेडिट कितनी होगी, 50,000। ये हमने वो क्रेडिट फाइंड की जो हमको नहीं मिलेगी, बिकॉज कॉमन इनपुट्स जो थे उसमें से 50% इनपुट्स किसके लिए यूज हुए थे, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, और एग्जेम्प्ट सप्लाई पे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, ये हमने सीखा आज के लेक्चर में, ठीक है। फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिलती है, आप एक चीज सोचिए, आप जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हो, मानिए आपने 100 रुपए कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स, ठीक है, उसमें से मानिए 50 रुपए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया था, वो माइनस किया और 50 रुपए आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये जो 50 पे किए वो क्या है, आपने जो वैल्यू एडिशन हुआ ना, आपने परचेस किया और सेल किया, दोनों में जो प्राइसिंग डिफरेंस था, तो क्या हुआ, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन पे आपने गवर्नमेंट को क्या पे किया, टैक्स पे किया। जो आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करते हो वही तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। अब आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे क्या कुछ कलेक्ट किया, कुछ भी कलेक्ट नहीं किया। और क्या आपने इनपुट टैक्स पे किया था, हाँ आपने 50 रुपए पे किया था,
लेकिन आप क्या सप्लाईज क्या एग्जेम्प्ट, तो आपने क्या कुछ कलेक्ट किया? कलेक्ट तो नहीं किया, तो अब आप एक तरफ टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और जो इनपुट टैक्स पे किया वो भी आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट को कि मुझे रिफंड दे दो या मुझे क्रेडिट दे दो, तो गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी? इसमें इनकम कैसे हुई? 100 माइनस 50 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को दिए। एग्जाम सप्लाईज में ये 50 रुपीज़ आपने इनपुट टैक्स पे किया और आउटपुट पे तो आपने कुछ कलेक्ट ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट की इनकम कैसी होगी? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एग्जाम सप्लाई पे जो भी इनपुट टैक्स है उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी या फिर उसका कोई रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी क्या हो गई, इनएलिजिबल क्रेडिट हो गई, और इसलिए ये क्या हो गया, सीधा सीधा गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये हो गई गवर्नमेंट की इनकम। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो आप दोनों तरफ से ऐसे नहीं कर सकते कि आप आउटपुट पे भी टैक्स कलेक्ट ना करो और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लो या उसका आप गवर्नमेंट से क्या ले लो, रिफंड। लेकिन ये किस केस में अलाउड है? एक्सपोर्ट के केस में, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में ये अलाउड है क्रेडिट लेना या रिफंड लेना। क्यों अलाउड है? बिकॉज गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमें मिल गया है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि 5%, ध्यान से सुनिएगा, 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट इज डीम्ड टू बी नॉन बिजनेस पर्पस इनपुट्स। मतलब गवर्नमेंट मानती है कि आपकी जो कॉमन क्रेडिट है ना, उसमें से 5% इज डीम्ड टू बी नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है, सो ये डीमिंग फिक्शन है, आपको बिना कुछ सोचे 5% आपकी कॉमन क्रेडिट का क्या मान लेना है, इनएलिजिबल। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंप्यूट क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, दैट इज 5% ऑफ, हमारी कॉमन क्रेडिट कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, ये हमारी कॉमन क्रेडिट है 1 लाख, इसका 5% कितना हुआ, 5,000 रुपये। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वो क्रेडिट हुई जो डीम्ड है, दैट द क्रेडिट हैज बीन यूज्ड और द इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज हैज बीन यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। नाउ विल कंप्यूट द एलिजिबल क्रेडिट्स। सो व्हाट इज एलिजिबल क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट माइनस 5,000, ये वाला नॉन बिजनेस पर्पस वाला, एंड 50,000 That belongs to exempt supplies. तो आपकी eligible credit जो आप electronic credit ledger में credit करोगे वो कितनी हुई, 45,000। और मान लो आप 1 लाख अगर पूरी की पूरी पहले ही electronic credit ledger में credit कर चुके थे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, इन 55,000 को क्या करना होगा, आपकी output tax liability में add करना होगा। ठीक है, एड D1 D2 टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। D1 D2 मतलब ये D1 है एंड ये D2 है, इसको आप क्या करोगे, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दोगे। ये है हमारा पूरा टॉपिक जिसको हम कहेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स इस पे हम 3 और एग्जांपल करेंगे और आपको इस टॉपिक की पूरी क्लैरिटी आएगी। मकसद यही है, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं तो उसका ITC आपको मिलेगा, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जो कॉमन क्रेडिट है जो बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रही है उसको बाइफरकेट कैसे करें? तो कहा गया है कि पहले आप उस कॉमन क्रेडिट को फाइंड आउट करो और उस कॉमन क्रेडिट को एग्जेम्प्ट और टोटल टर्नओवर के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दो। ठीक है, सॉरी, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल टर्नओवर के प्रोपोर्शन में बांट दो, जो कि हमारे केस में हमने क्या किया, 1 लाख जो कॉमन क्रेडिट थी उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हमने क्या फाइंड कर ली, क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो कि जो क्या होगी, इनएलिजिबल क्रेडिट। और हमने समझा कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे कमाती है, वैल्यू एडिशन पे जो आप टैक्स पे करते हो उससे। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो लेकिन आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देती है। ठीक है, और D2 इज योर, दिस 5,000 इज योर क्रेडिट डीम्ड टू बी यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, कॉमन क्रेडिट में से नॉन बिजनेस पर्पस, और
एग्जेम्प्ट सप्लाईज को जो अट्रीब्यूट की वो क्रेडिट अगर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट एलिजिबल टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।